वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का 11वां राग राग जैत श्री है। राग जैत ते श्री दा बहुत ही सुंदर मिश्रण ये राग है। उस्ताद लोग ही शुद्धता नाल इस राग नूं गायन कर देंगे, क्योंकि इस राग का चलन ही ऐसा। रागात्मक पहलू वाल देखिए तो इस राग दे विच ऋषभ कोमल, धैवत कोमल, मध्यम तीवर ते बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। आरोह दे विच ऋषभ ते धैवत नूं वर्जित किया जाता है, इस करके थोड़ा कठिन लगता राग। इस राग का वादी स्वर गंधार है, समाधी स्वर निषाद है। गायन का समा दिन का चौथा पैर है। इस राग का थाट पूर्वी है, जाति यदि औड़ संपूर्ण है। पांच स्वर औड़ होंदा है, छे स्वर का शाड़व होंदा है, सात स्वर नूं असीं संपूर्ण कहिंदे आ। इहदे विच आरोह दे विच पांच स्वर लगदे ने उह औड़व, क्योंकि ऋषभ ते धैवत नूं वर्जित किया जाता है। अवरोह दे विच सारे स्वर प्रयोग विच लिआए जांदे ने। ये बहुत प्यारा राग है, बहुत खूबसूरत राग है। इस राग दे विच तन तन श्री गुरु रामदास महाराज की पवित्र बाणी, तन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह की पवित्र बाणी, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह की पवित्र बाणी सानू मिलती है। इस राग दे विच छंद तों इलावा भगत रविदास जी की बाणी सानू मिलती है। आओ बड़े प्यार नाल राग जैसरी दे विच गुरबाणी कीर्तन श्रवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहे गुरु जियो गली आनंद सगल सो
सहारी गोविंद सहारी।